Hello friends, I am Jahangir Tarvi. Once again I welcome to all of you on my YouTube channel. Dear friends, we are learning respiratory system. In my last lecture, we learned the respiratory tract and anatomy of the lungs as well as whole respiratory tract, upper respiratory tract and lower respiratory tract. जिसमें अपन ने definition study की थी respiratory system की. The respiratory system especially contributes to homeostasis by the exchange of gases, means oxygen and carbon dioxide, in between the atmosphere and blood, and blood, atmosphere and blood and tissue cells. Ideally, जो respiratory system है ये homeostasis करता है अपने body के अंदर gases को exchange करके, ideally carbon dioxide और oxygen को. हमने देखा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस जो लंग्स है अपने बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे जो अपने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है और वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस की हेल्प से वहां हमें मिलता है एटीपी, मींस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और बाय प्रोडक्ट वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की सिंथेसिस होती है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन लंग्स की हेल्प से बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं, जिसको अपन एक्सहेलेशन बोलते हैं. तो आज अपन पढ़ने वाले रेस्पिरेशन, ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है जिसको बोला जाता है लंग्स, और इस लंग्स की भी जो मेन फंक्शनल यूनिट है उसको बोला जाता है एल्वियोलाई. तो डियर फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम है ये एल्वियोलाई का डायग्राम है जो कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है. अब हम देखते हैं कि जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बने हैं इनको बोला जाता है एल्वियोल्स, बोलते हैं सिंगल को, और जब एक साथ में सब होती है तो उसको बोला जाता है एल्वियोलाई. और इन एल्वियोलाई की जो कुछ भी ऐसा ग्रुप्स है जिनकी ओपनिंग सेम होती है तो उसको बोला जाता है एल्वियोलर सैक. डियर फ्रेंड्स, इन एल्वियोलाई के ऊपर हम ये देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ब्लू कलर और रेड कलर की यहाँ पर जो है तो लाइनिंग बनी हुई है. आइडियली ये है ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज का जो फॉर्मेशन होता है उसका क्या बायफर्केशन या डिवाइडेशन से होता है, ठीक है, आर्टरी या वेन्स के. जैसे क्या होता है कि जब वेन डिवाइड होती है तो बनाती है वेन्यूल, और जब लंग्स की वेन्यूल है तो इसको बोलेंगे अपन पल्मोनरी वेन्यूल, और जब आर्टरी डिवाइड होता है होकर बनाती है पल्मोनरी आर्टेरियोल्स, क्योंकि ये भी लंग्स के अंदर इसलिए हम इसको पल्मोनरी आर्टेरियोल्स बनाएंगे. देन यही जो आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स हैं ये अगेन डिवाइड होकर स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है. देखिए इस पिक्चर की हेल्प से मैं बताता हूं आप लोगों के ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि यह कोई सी आर्टरी है. अब ये आर्टेरियल क्या हुआ, डिवाइड होकर क्या बना दिया यहाँ पर आर्टेरियोल्स, क्या बना दिया यहाँ पर आर्टेरियोल का फॉर्मेशन किया, फर्दर इसका डिवाइडेशन होने के बाद में बनती है यहाँ पर कैपिलरीज. तो देखो ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, ठीक है, और इधर हम देखते हैं कि वेन है, वेन के डिवाइडेशन से क्या बनती है वेन्यूल बनती है, और वेन्यूल के डिवाइडेशन से भी क्या बनते हैं यहाँ पर कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है. आइडियल हम ये देखते हैं कि ये जो आर्टरी है ये रेड कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इसके अंदर है ऑक्सीजन O2. अब ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस कैपिलरीज में जाने के बाद में ऑक्सीजन यहां से निकलकर सेल के अंदर चला जाता है, और सेल का कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तो ब्लड के अंदर आ जाता है. तब कहीं जाके ये ब्लड है वो थोड़ा डार्क बन जाता है, उसे ब्लूश दिखता है, तो हम बोलते हैं कि वहां से क्या स्टार्ट हो चुकी है अपनी वेन का स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. तो डियर फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशंस मीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आइडियली जो गैसेस का एक्सचेंज है लंग्स के अंदर वो इन कैपिलरीज के हेल्प से, पल्मोनरी कैपिलरीज के हेल्प से इस एल्वियोलाई के ऊपर ही होता है, इसलिए मैंने इस डायग्राम को आपको समझाया है. तो देखिए अभी अपन पढ़ते जो रेस्पिरेशन है, तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की हम अगर जनरल डेफिनेशन पढ़े तो इट मीन्स के एक्सचेंज ऑफ गैसेज मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इसको क्या बोलेंगे रेस्पिरेशन. और इस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए दो बॉडी के सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मींस हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस लंग्स. ये गैसेस के एक्सचेंज मींस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. अब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अलग अलग पोजिशन पर, है ना, अलग अलग लोकेशन पर गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उसके अलग अलग नाम है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर ब्रीदिंग है. अब आइडियली जो ब्रीदिंग होता है इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर. मैं यहां पर एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में लिखता हूं एटीएम, ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड लंग्स. लंग्स के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एल्वियोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है.
ब्रीथिंग में ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर से जो O2 है मतलब ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर जाती है, और लंग्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब कि जो CO2 है वो आती है सीधा एटमॉस्फेयर के अंदर। इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग। चलिए इस डायग्राम में आपको बता दो ब्रीदिंग कहां शो हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए आप कि जो इनहेल O2 लिखा हुआ है मीन्स O2 कहां जा रही है, बाहर से कहां जा रही है, अंदर। आइडियली ये जो है तो ये है एटमॉस्फेयर, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ATM। एटमॉस्फेयर से O2 लंग एल्विओलाई के अंदर जा रही है, एल्विओलाई इन द सेंस के लंग्स के अंदर जा रही है, और इस एल्विओलाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ रही है यहां पर। ठीक है, एरो की हेल्प से आप समझिए कि बाहर आ गई है मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हमने इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग को जो होता है तो बोला जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। अब उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अभी जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है इन बिटवीन द लंग्स। ओके, लंग्स और होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड और लंग्स के अंदर जो होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं कि इस लंग्स से O2 जो है तो ब्लड के अंदर जाती है, जो O2 लंग्स के अंदर कहां से आई थी, एटमॉस्फेयर से, और इस ब्लड के अंदर जो CO2 है मतलब के कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर चली जाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो देखिए अपन मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूं कि ये देखो यहां पर जो है तो ये ब्लड फिल्ड है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन आ गई कहां, ब्लड के अंदर, मतलब लंग से कहां पर आ गए, ब्लड के अंदर, और इस ब्लड के अंदर जो CO2 है, ठीक है, इसके अंदर क्या, ये ब्लू कलर से दिख रहा है मीन CO2 है, ये CO2 चली गई यहां पर लंग्स के अंदर। तो इस एक्सचेंज को क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। अब क्या होता है कि इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर जब ब्लड के अंदर ये लंग्स से O2 जब इस कहां पर आ गई है ब्लड के अंदर, तो ये जाती है लंग से सीधा चली जाती है ये डियर फ्रेंड्स, ये जाती है पल्मोनरी वेन के अंदर। कहां जाती है ये मैं आपको बताता हूं, पल्मोनरी वेन के अंदर जाती है ये। ठीक है, पल्मोनरी वेन के अंदर आता है ऑक्सीजन। ठीक है, आइडियली जो वेन के अंदर डियर फ्रेंड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। एग्जाम से याद रखिए, एग्जाम से पूछा जाता है। देन इस लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू चला जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब ये लेफ्ट एट्रियम कौन है, हार्ट का चैम्बर है ये लेफ्ट एट्रियम। देन ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है ये एओर्टा की हेल्प से चला जाता है बॉडी सेल्स के अंदर, मतलब टिश्यू के अंदर चला जाता है। ठीक है, मींस बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है तो फिर कहां चला जाता है, मतलब इस ब्लड कैपिलरी से जाता है टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर। अब उस सेल्स के अंदर जब जाएगा तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो देख सॉरी इंटरनल रेस्पिरेशन। अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन है इसके अपन डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें बोला जाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन द ब्लड, ओके, ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टिश्यू, ठीक है, जो सेल्स के अंदर जाता है। तो क्या होता है कि ब्लड से ऑक्सीजन जाता है टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो चली जाती है ब्लड के अंदर। तो इस एक्सचेंज को बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो देखिए यहां से इसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो सीधा सेल के अंदर आ गया, और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो चला गया कहां पर, ब्लड के अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रिलेटिंग टू द रेस्पिरेशन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। आइडियल क्या था, हमने जब अब ये देखा डियर फ्रेंड्स के ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो जा चुका है सीधा सेल के अंदर। अब इस सेल के अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मतलब के लिखता हूं फॉर्मूला लिखता हूं ग्लूकोज का, उसको हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है C6 ओके H12O6, और इसके अंदर ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल मतलब 6 O2,
ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहां पर 6 CO2 का फॉर्मेशन होता है यहां पर, प्लस 6 H2O बनता है, और इसके में साथ में यहां पे बनता है ATP, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मींस एनर्जी। ये जो प्रोसेस होती है ये सेल के अंदर होती है, ठीक है, ये किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन मींस एनर्जी फॉर्मेशन। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की। अब क्या होता है कि हमने देखा कि ऑक्सीजन का कंजप्शन यूज होने के बाद में एनर्जी तो बनी, लेकिन बाय प्रोडक्ट बना यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर तो एक सॉल्वेंट है, ये यूज हो जाता है अपने बॉडी में, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना जरूरी है। तो देखिए, इस सेल के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू कहां चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज में, मतलब के वेन के अंदर चला जाएगा ये, फिर इसके बाद में जाता है ये सीधा वेन के थ्रू जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम क्या, हार्ट का एक चैम्बर है, फिर राइट एट्रियम से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल से जाता है ये सीधा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये जो बनी है यहां पर, ये देखो ये क्या है, ये ब्लू कलर की, तो ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है ये। जनरली आर्टरी जो होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब CO2 वाला ब्लड, जो को ब्लू कलर का ब्लड ये सप्लाई करती है। इसको याद रखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहां चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है। तो इसको अपन ब्रीदिंग वाली सॉरी इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में अपन इसको पढ़ चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को थोड़ा सा आप समझिए, एग्जाम्स में इससे संबंधित काफी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस एयर एक्सचेंज के साथ साथ में आपको मैं लंग्स का ब्लड सप्लाई भी थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पर जैसे इस टॉपिक के साथ में ही अपना ब्लड सप्लाई टू द लंग्स हो चुका है। देखिए, हमने देखा है कि जो ब्लड सप्लाई होता है लंग्स को, उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों ही इन्वॉल्व है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये है अपना जो हार्ट होता है, तो हार्ट का जो हार्ट की जो होती है तो राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है तो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, पल्मोनरी ट्रंक के बाद में पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। दोनों पल्मोनरी आर्टरी एक राइट लंग्स में और एक लेफ्ट लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है तो कहां चला जाता है, लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर जाएगा, और एल्वियोलाई के अंदर के ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। फिर ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट के चैम्बर लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगी ब्लड को, और फिर लेफ्ट एट्रियम से चला जाता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को ये सप्लाई हो जाता है, ठीक है, बॉडी को एओर्टा के थ्रू डायरेक्ट ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस डायग्राम को थोड़ा देख के आप समझिए कि इसमें हमें सबसे ज्यादा याद रखने वाली जो बात है कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि ये वाली चीज पूछी जाती है कि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी या फिर राइट पल्मोनरी आर्टरी या फिर बोला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी कैरी द ब्लड ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हमें लिखना होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 वाला ब्लड। आइडियली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है तो वो डीऑक्सीजनेटेड सप्लाई करती है। सेम इसके वाइस वर्सा ये होता है कि जो भी वेन होती है ना वो CO2 वाला ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होती है तो O2 वाला ब्लड सप्लाई करती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ये याद रखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगा, ये क्वेश्चंस आता है मोस्ट ऑफ टाइम्स। तो डियर फ्रेंड्स, अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।